तो भाई ये है वो वॉच जिसमें आपको पहले से एप्पल का जो लोगो है वो लगा हुआ मिलेगा। तो इस पे आपको कोई भी किसी भी तरह का कोड सेट नहीं करना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली कि आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम इसको ऑन करेंगे तब इस पे एप्पल का लोगो ही आएगा। तो काफ़ी सस्ती वॉच होने वाली है ये, आपको मार्केट में यही 1500 से 1800 में मिलेगी। तो चलिए मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको सीधा ऑन किया, ब्रिंग आईफोन नियर एप्पल वॉच। मैंने जैसे ही इसको ऑन किया तो इस पे एप्पल का जो लोगो है वो पहले से ही ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। तो 49 mm टाइटेनियम वॉच है ये, अल्ट्रा 8, आप देख सकते हो। बैक साइड में जो इसके स्क्रू भी दिए हुए हैं वो नकली वाला काम नहीं है कि प्लास्टिक वाली साइड पे ही स्क्रू का निशान बनाया होता है, जो प्रॉपर चारों साइड में स्क्रू हैं। और ये स्ट्रैप के लिए वो बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ से इसे पुश करने पे वो स्ट्रैप वहाँ से निकलेगा। 49 mm टाइटेनियम, आप इसकी लुक देख सकते हो। इस साइड में स्पीकर दिया हुआ है और ये एक साइड में माइक, ये स्क्रोलर बटन है, आप देख सकते हो ये काम करता है प्रॉपर। इससे क्या आप ये थंबनेल चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका मॉडल बताता हूँ, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो कौन सा मॉडल है ये अल्ट्रा में। जो इसकी टच क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है, कहीं से भी आप इसे टच करोगे तो काम करता है। कुछ ऐसी अल्ट्रा वॉचेज आती हैं कि उसमें आपको डायलर के बटन को बार बार प्रेस करना पड़ता है। एक बार मैं आपको इसकी टच की क्वालिटी दिखाता हूँ, एज टू एज ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो फीचर तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सभी में, बस स्क्रीन की क्वालिटी होती है और टच की क्वालिटी होती है। तो मैं आपको चलिए इसका मॉडल बता देता हूँ, इसका मॉडल कौन सा है। आपको जाना है सेटिंग में, अगर आप दुकान से लेना बाय करना चाहते हो तो आप उसको बोल दीजिए कि मेरे को यही वाला मॉडल चाहिए, इस पे एप्पल का लोगो है जो पहले ही लिखा हुआ बना हुआ आता है। तो ये है वॉच अल्ट्रा, सीरीज नंबर इसका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉडल है अल्ट्रा 2474। अगर 2474 ये वाला मॉडल आप बाय करते हो मार्केट से, अगर ये वाला मॉडल आप बाय करते हो मार्केट से, तो आपको एप्पल का जो लोगो है वो फिक्स लगा हुआ पहले ही मिलेगा। मैं एक बार ये आपको फिर से चेक करवा रहा हूँ, ये अबाउट में आप दे सकते हो, ये है वॉच अल्ट्रा, ये इसका मॉडल नेम A2474, ये डेट होगी इसकी, लॉन्चिंग डेट होगी। तो भाई अगर एप्पल लोगो वाली वॉच आप लेना चाहते हो अल्ट्रा की मास्टर कॉपी, तो आप ये वॉच लीजिए A2474। तो चलिए हम इसको अभी रीसेट करके देखते हैं, इसका अगर रीसेट करने पे एप्पल का जो लोगो है वो इस स्क्रीन से हटेगा या नहीं। क्या अगर रीसेट किया हमने तो एप्पल का लोगो है वो चला जाएगा, अगर चला जाएगा तो इसका कोड कौन सा होने वाला है, अगर नहीं होता तो क्या कारण है ये नहीं होगा। हर एक अल्ट्रा वॉच में आपको एक ऐसा निशान दिखाई देगा, अगर आपकी वॉच हैंग कर रही है या आपको फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रही, उसकी सेटिंग में दिक्कत आ गई है, तो आप अपने वॉच को रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, वाला निशान जो होता है यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हो रीसेट। अभी मैं इसको रीसेट करूँगा, जो पहले एप्पल अल्ट्रा 8 होते थे वो एप्पल का लोगो उनका चला जाता था। तो इसमें ये है कि अगर हम इसे वॉच को रीसेट भी करेंगे तो जो लोगो है वो जाएगा नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा। ये मैंने रीसेट किया, अभी भी आप देख सकते हो उस पर एप्पल का लोगो है। चलिए फिर मैं एक बार इसको रीसेट करके देखता हूँ कि लोगो रहेगा या लोगो जाएगा। तो आपके सामने मैं रीसेट कर रहा हूँ, मैंने रीसेट किया और फिर भी इसका एप्पल का जो लोगो है वैसे का वैसा ही है। तो ये एक ऐसी वॉच है रीसेट करने के बाद फास्ट भी चलेगी, ठीक है, अगर आपको टच में दिक्कत आ रही है, और आपका एप्पल का लोगो भी नहीं जाएगा कि बाद में आपको दिक्कत आए कि कोड अप्लाई करना पड़े। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें।
यहाँ पे वॉच के साथ हमें दो स्ट्रैप मिलेंगे, ये ऑरेंज वाला सिलिकॉन में है और जो दूसरा चैन का है वो मेटल में है। तो जो चैन वाला मेटल में है, मेटल वाला अगर हम मार्केट से बाय करें तो सिंपली वो बाय करने भी 500 से 700 के बीच में होता है। तो भाई ये है वो वॉच जो विद एप्पल लोगो आती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट अवश्य करें।